नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आप सभी को मैं एक बहुत ही बढ़िया अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि देखिए हमारी YouTube चैनल जो कि प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर, पहले मैं आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी देता था, लेकिन अब मैंने एक चीज़ ऐड और कर ली है जो कि आपके लिए है करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड यानी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखती है। आप सभी को भी पता है कि करंट अफेयर्स मतलब कहीं से 10 क्वेश्चन आते हैं, कहीं से 5 क्वेश्चन, लेकिन करंट अफेयर्स के 10 से 5 क्वेश्चन के बीच एवरेज आते हैं हर कम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर SSC हो, या फिर आपका रेलवे हो, या फिर आपका एयरफोर्स हो, या फिर आपका नेवी हो, NDA हो, या मतलब कोई भी आपका XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन करंट अफेयर्स ज़रूर आता है उसमें। तो आप सभी को मैं, आज पहली क्लास होगी मेरी, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग हमारा साथ दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आता रहूँगा। आप सभी को बता दूं आज लेट हो गया हूं, पहला दिन है इस वजह से, लेकिन कल से आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो टाइम से आ जाया करेगी। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारी YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी को पहली बात करते हैं, देखिए 2 अगस्त 2020 की आप सभी के लिए बता दूं पहली क्लास है मेरी और करंट अफेयर्स की। तो चलिए साथियों पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए क्या है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इसका जो आंसर होगा आपका हमीद बाकायोको। आप बात करते हैं, अगर आप देखें हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ लीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में भी दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ। तो वो है आपका ताइवान, आपका जो है वो निधन हो चुका है उनका। आगे बात करते हैं देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण एशिया में कोरोना वायरस के कारण कितने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर असर पड़ा है। तो देखिए यूनिसेफ के अनुसार आप सभी को बता दूं, दक्षिण एशिया में आपको जो कोरोना वायरस की वजह से असर पड़ा है वो है आपका 2.2 करोड़ रुपये, इतने का आपका असर पड़ा है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी एमरिट फार्मेसियों की स्थापना हुई। जो कि एमरेट फार्मेसियों की स्थापना जो हुई है वो 12 यानी कि एमरेट फार्मेसियों की स्थापना हुई है। आगे बात करते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन की, तो फाइव नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में किस वाहन के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। तो देखिए जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो किस मतलब वाहन पर रोक लगाई गई है वो है आपका BS4 पर आपकी रोक लगाई गई है। आगे बात करते हैं नंबर सिक्स की बात करें, तो सिक्स क्वेश्चन है आपका किस राज्य ने मराठा समुदाय को EWS कोटा को लाभ ना देने की घोषणा की है। तो वो है महाराष्ट्र, आप सभी को बता दूं कि मराठा समुदाय को EWS कोटा को लाभ ना देने की घोषणा की है राज्य सरकार ने, ये आप सभी के लिए बता दूं ये किया है मराठा सर जो कि महाराष्ट्र को मतलब लाभ ना देने की घोषणा की है। आगे बात करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन की, तो सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 1 अगस्त को, जो कि कल बीत चुका है। आगे बात करते हैं देखिए, अब बात करते हैं एट नंबर क्वेश्चन की, तो एट नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में किस देश से रंगीन टीवी सेटों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। जो कि है आपका देश है चीन देश में आपको रंगीन टीवियों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की, तो क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो वो है आपका कर्नाटक। आगे बात करते हैं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका किस राज्य सरकार में भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जो है आपका दिल्ली राज्य सरकार ने आपको भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। आगे बात करते हैं देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की, तो आर पावर और जेरा ने किस देश में बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो है आपका देश बांग्लादेश। आगे बात करते हैं देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया। जो कि है आपका SIDBI यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।
आगे बात करें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की, तो है आपका फ्लिपकार्ट में 2020 ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए कितने लाख कारीगरों का सहयोग किया। जो कि आपको बता दूं फ्लिपकार्ट ने जो है 2020 में आपको मतलब उत्पाद जो आपको ऑनलाइन कराते हैं उसका जो है आपको कारीगरों का सहयोग है वो 6 लाख आपके हैं। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है किसने मॉरिशस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। जो है आपका मॉरिशस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन जो किया है वो है आपके पीएम नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, तो 15वें क्वेश्चन है आपका भारत के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो कि है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय जो कि है मोटा इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो जो अध्यक्षता की है 6ठी बैठक की वो है आपकी रूस ने। तो देखिए आज तक इतना ही क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर्स के। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए मैंने आप सभी को बताया, देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम से हैं आप हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए है। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कल से वीडियो टाइम से आ जाएगी। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ऊपर आपको दिखा मतलब मेरी आईडी शो कर रहा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।